10% ऐसी पैकर तुम अगर कैसे हो तुम अंडियो दिन तुम दिन जाती हो बड़े बिजनेस मैनर्स या तुम कैसे भी रुक रहे हर एक टाइम पे किसी ना किसी मिनिस्टर को यहाँ पे चुना एमएलए बना के भेजे मिनिस्टर बन गए वो वहाँ पे लेकिन हमने ये सोच समझ के उनको वोट दिया था कि हम ये हमारे मसले मसाइल उजागर करेंगे लेकिन मसले मसाइल क्या उन्होंने आज तक कोई काम भी हमारे लिए नहीं किया है। हालांकि जब भी हमने इनको वोट दे दिया उस टाइम पे ये हमारे पास आते थे आप हमारा साथ दीजिए हम आपका काम करेंगे आपके रोड तामीर करेंगे आपके बच्चों का काम करेंगे। आज की डेट में हर एक को पता है कि जैसे किसी भी गांव में आप देख लीजिए कि हमारे बच्चे कैसे बेरोजगार बैठे हैं ये सब इनकी ही देन है। कम से कम लोग इनके पास जाते हैं हमारा कोई काम होता है हमारे जो भी चाहे कोई मंत्री बने होंगे या कोई मेंबर पार्लियामेंट होगा जब उनके पास जाते हैं तो उस टाइम वो बोलते हैं आप कहां से आए हो आपका क्या काम है। खासकर मैं धीरेन्द्र शर्मा जी को ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है यहाँ सबसे ज्यादा यही लोग जो मेवा संगत से वाबस्ता है। मैं भी पार्क में 40 साल का हूँ मैं भी पार्क में पहले बार मेरे तक आए अगर प्रोग्राम हुआ किसी पार्टी का है वो एनसीपी का हुआ। आज पढ़ा लिखा नौजवान चुनो और तुमन सपोर्ट करो और ये हे अस नश ये समझ सन मसल मसाइल ये बड़ ब्यूरोक्रेट बड़ बड़ बिजनेस मैन यम सात तुम अस शायद बुखारी सो पत्म लट एम एल ए बंद बहुत सारे साथियों से बात चल रही थी जी। उन्होंने दिल्ली आके हमारे को बताया कि किस तरीके से कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज केंद्र की सरकार ने जब से कश्मीर को जम्मू कश्मीर को टेक ओवर किया है यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है समस्याओं को ना समझने का काम किया जा रहा है और जो यहाँ का कश्मीरी यूथ है वो आज बहुत परेशान है। अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी उसके पास रोज़गार नहीं है। किस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े वादे किए थे 370 हटाने के बाद इन्वेस्टमेंट आएगा कश्मीरी युवाओं को रोज़गार मिलेगा लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं परेशानी बढ़ से बढ़ती जा रही है। यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है और हम लोगों ने देखा कि इससे पहले भी जो भी यहाँ पे MLAs थे MPs थे उन्होंने जनता का कुछ नहीं किया सिर्फ अपने खुद को मजबूत करने का काम किया है। कश्मीर के लोगों ने यहाँ पे भरोसा किया सब लोगों को साथ लेकिन उनके साथ विश्वासघात हुआ है बार बार। और आज कश्मीर के युवा अब चाहते हैं कि महाराष्ट्र मॉडल की तरह जिस तरीके से शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाया वैसे आज कश्मीर को ज़रूरत है। अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए अच्छी कंपनीज चाहिए एक ऐसा माहौल चाहिए जो महिलाओं के लिए एक अच्छा माहौल दिया जा सके युवाओं के लिए एक अच्छा रोज़गार दिया जा सके। तो आज इसी कड़ी में हम लोग आए हैं हमारे साथी गुलजार अहमद जी जिनको शरद पवार जी ने जिम्मेवारी देके भेजा है और मुझे लगता है कि अब NCP यहाँ पे पूरे कश्मीर में पूरे जम्मू में ध्यान देगी और यहाँ के युवा साथियों को विश्वास में लेके
जो उनको समस्याएं हैं। हमारी विधवा बहनें यहाँ पे हैं, उनके परिवार का कोई देखरेख करने वाला नहीं है। किसानों की परिस्थिति हमने देखी है किस तरीके से है। तो आज किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सबका एक ही विश्वास है कि अब शरद पवार साहब के ऊपर भरोसा करते हैं। और उन्हें लगता है, पूरे देश की जनता को लगता है कि नफरती ताकतों से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो शरद पवार साहब हैं। 2024 में शरद पवार साहब की अहम भूमिका रहेगी। अगर भाजपा को हराना है तो शरद पवार साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी देनी चाहिए। सभी लोगों का, पूरे देश के लोगों का भरोसा है कि सभी विपक्षी दलों को कोई एक कर सकता है तो वो शरद पवार साहब कर सकते हैं। और इन लोगों को हराने का किसी में मादा है तो शरद पवार साहब में है। और हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम अपने संगठन के माध्यम से शरद पवार साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। روزان نیشنل یوتھ پریزیڈنٹ دریش شرما جی طور یہ کر لوکن ستن خیالن ہند اظہار ام پت سوچو اس ات بارس من یم مطلب ازیک تامت اس نش مسلہ مسائل اجاگر آئے کرنے کی خاص کر کر میں تتن کت تم ساتن ان ایمپلائمنٹ یوتھ اس یتن وری زیادہ ونکس اس یہ میوا سنت تباہ تو برباد موترو کرت ات بارس من اس تتن کت کرم یت شرد پوار جی یہ جواب دیت ون کہ اس نہ ازیک تامت ات بارس من کھانت علم یا پارلیمنٹس من آن ام حساب کھانت ٹاپک تلن کہ اس سوچ ہاو یہ کیا دلیل ہے کشمیر من اگر باقی ملکن ہند فروٹ یور ان یہ کشمیر فروٹ کیا باقی ملکن من سوزن امی خطر اس آز کورمت یہ پارٹی ہند کنونشن اس نارتھ کشمیر کس واگورہ علاقہ من آز پروگرام اختتام سپدو۔